गुड़गांव में डीटीपी विभाग ने अवैध तौर पर बनाई जा रही फार्म हाउस कॉलोनी को जमींदोज कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे भू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। दरअसल डीटीपी विभाग को गैरतपुर बांस गांव में अरावली की तलहटी से सटी फॉरेस्ट लैंड या एनसीजेड दायरे में शुमार 20 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर विभाग की ओर से शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन का काला कारोबार अंजाम दिया जा रहा था। वहीं इस मामले में डीटीपी आरएस भाट की माने तो 4 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। गैरतपुर बास में एक फार्म हाउस कॉलोनी डेवलप, लगभग 15 से 20 एकड़ में ये डेवलपमेंट चल रही थी और 10-15 एकड़ में एडिशनल भी रोड्स वगैरह कार्बन खोद। तो ये गैरतपुर बास जो है, आप आसपास देखें तो बिल्कुल अरावली जैसी ये सारे पहाड़ रेंज, उसके बीच में ये फार्म हाउस कॉलोनी बनाने की कोशिश। कौन लोग हैं सर, क्या कुछ पता लग पाया? देखिए, अभी जो हमने नोटिसेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 3-4 लोग हैं जो लैंड ओनर्स हैं या जो कॉलोनी काट भी रहा है, उन दोनों के ऊपर कार्रवाई एफआईआर भी दर्ज कराई। बता दें कि अरावली से सटे इस 20 एकड़ इलाके को लग्जरी तौर पर गुलजार करने की तैयारी की गई थी। इस अवैध फार्म हाउस कॉलोनी में सुव्यवस्थित रोड, सीवरेज, अवैध बोरवेल कर पानी की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से लैस सुरक्षा तक का इंतजाम किया गया था। डीटीपी गुरुग्राम के मुताबिक ये इलाका एनसीजेड दायरे के तहत आता है, लिहाजा यहाँ किसी भी ऐसी कॉलोनी की सीएलयू की परमिशन नहीं दी जा सकती। सर, वेल सेटल रोड हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, क्या कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं? देखिए, मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि जी, कोई भी अवैध कॉलोनी डेवलप करेगा तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी और हम ऐसी ही कार्रवाई करते रहेंगे। अभी फार्म हाउसेस, आप पीछे किरंकी में हमने लगभग 100 एकड़ में जो बाउंड्री वॉल्स फार्म हाउसेस की थी, हमने पूरी तरह डिमोलिश की, तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जी, इन्वेस्टमेंट इलीगल फार्म हाउसेस में, कॉलोनीज में मत करें। सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर जो पोर्टल पर लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाली है वो और डालनी चाहिए थी। अगर आप ऐसे फार्म हाउसेस इलीगल डेवलप करेंगे तो सरकार को अपने रेवेन्यू का, जो कि अदरवाइज परमिशन लेकर मिलने हैं, वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। ऐसे तो अवैध फिर सारे बना लेंगे तो फिर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि एनसीजेड की 500 मीटर यानी अरावली से सटे इलाकों में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन और पेड़ों के काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन बावजूद इसके भू माफिया अरावली के अस्तित्व को मिटाने की साजिशों में लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।